नमस्कार, आज हम लोग यहाँ पर सोशल हेल्पिंग ट्रस्ट की तरफ से वस्त्र वितरण करने आए हैं। दिवाली के समय सभी लोग अपने अपने घरों में सफाई कर रहे हैं और जो भी आप लोगों के कपड़े जो भी आपके काम नहीं आ रहे हैं उनकी कंडीशन अच्छी है उन कपड़ों की, वो कपड़े इन जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाएं जिससे इन लोगों की भी जरूरतें पूरी हो सके। थैंक यू। किसी कवि ने सही कहा है, किसी पिता के लिए बेटियां बेटों से बढ़कर है। शादी के वक्त जब लड़कियां छोड़ती है घर तो माँ से ज़्यादा वह पिता ही रोते हैं जिन्होंने कंधों पर बैठाकर दिखाई है बेटियों को एक अलग दुनिया। आदरणीय दोस्तों नमस्कार, मैं मनु। आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में जिनकी शादी उस समय हो गई थी जब वे 11वीं में पढ़ रही थी। उन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था, शादी के बाद उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोला। ब्यूटी पार्लर के माध्यम से जहां उन्होंने सैकड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाई तो वहीं इस प्रतिभा के कारण लोग उन्हें ब्यूटी क्वीन कहने लगी। वे यहीं रुकी नहीं बल्कि उन्होंने एक मिनट में सर्वाधिक पुशअप्स कर अपने नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराए। वे मॉडलिंग करती है तथा साल 2014 में वे मिसेज राजस्थान भी रह चुकी है। वे सोनू हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को मदद भी करती है तो वहीं उन्हें इस क्षेत्र में कई सम्मान व पुरस्कार भी मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुश्री सोनू छाबरा उर्फ सुनीता छाबरा के बारे में। उनके असाधारण कार्यों को हम दिल से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, प्रेम से आभार।